ना ये भगवा की कहानी है और ना ये हिंदुत्व की कहानी है और ना ही किसी धर्म की कहानी। यहाँ किसी राजनीति का काम नहीं है, यहाँ मानवता का और सेवा की नीति के साथ दृढ़ संकल्प साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश है और राजस्थान से शम शिवम। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में जो घुमंतु कार्य का जो भाव आया उसको लेकर मेरे साथ एक वाक्या हुआ। तब मैंने देखा कि वहां पे कुछ जो बच्चे हैं घुमंतु जाति के, उनके पीठ पे कचरे का बोरा है और कचरे का बोरा लदकर जब नल पे आते हैं, कचरे को रखते हैं एक साल में बोरों को और अपना मुंह साफ करते हैं, नल पे पानी पीते हैं, पीने के बाद घर का दरवाजा खटखटाते हैं और रोटियां मांगते हैं। उनकी वेदना जानी तो मन में भाव आया, क्यों ना जब इन बच्चों ने आज तक स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा, इन बच्चों को आज तक अक्षर ज्ञान क्या होता है वो पता नहीं है, इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जाए। अपन ने 5 बच्चों से शुरू किया और 5 बच्चों से शुरू करते हुए ये भावनात्मक कार्य आज पूरे राजस्थान के 32 स्थानों पर 4000 बच्चों को जो जिनको अपन ने शिक्षा प्रदान की गई है और जिनमें से 2700 बच्चे ऐसे हैं जो नियमित निजी और सरकारी विद्यालयों में प्रवेश करा के नियमित विद्यालय जा रहे हैं। जहाँ से मैंने क्लासेस शुरू की इस कस्बा नगर से, यहाँ ज़्यादातर घुमंतु जातियों में गाड़िया लोहार समाज है और गाड़िया लोहार समाज अपने व्यापार को लेकर प्रतिदिन कभी किसी कस्बे में या किसी गांव में अपने डेरे को डालकर उस समय घूमने का प्रयास करता है। वैष्णव जाना तो तेने कही है। वो बच्चे जो कक्षा में टॉप बच्चा है और वो बच्चा पढ़ाई से एकदम दूर हो गया, अपने परिवार के साथ घुमंतु जीवन जीने के कारण दूर हो जाता है, तो अपने प्रयास किया स्ट्रीट एजुकेशन को, इसको कुछ चल पाठशाला के रूप में किया जाए। आपने स्ट्रीट पाठशाला का नाम सुना होगा, आपने एकल पाठशाला का नाम सुना होगा, लेकिन आपने चल पाठशाला भी आप सुना है। मेरी दिनचर्या तो घुमंतु के जीवन की तरह दिनचर्या हो गई है। सुबह जागना, तैयार होना, फिर बच्चों के पास जाना, उनको स्कूल के लिए तैयार कराना, तैयार करा के स्कूल छोड़ना, जहाँ घुमंतु समाज जाएगा उनके पीछे पीछे उन स्थानों पर जाना और देख घुमंतु जीवन जीना। जब स्वयंसेवक का नाम लेते तो स्वयंसेवक का नाम लेते आती थी लाठी, नेकर, टोपी या फिर कट्टर हिंदूवाद। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जब मैं इस काम को कर रहा था तो मैं जब स्वयंसेवक से परिचय हुआ, स्वयंसेवकों के बीच में जाना हुआ, तो एक टोली जो सेवा भाव की है उनके बारे में जाना, तो उनके बीच में पहुँचे तो अपन ने देखा कि स्वयंसेवक के जब संपर्क में आए तो वो जब भी हम उनके साथ बैठते हैं तो एक बातें करते हैं कि घुमंतु जीवन के लिए अच्छी शिक्षा कैसे दे सकें। मेरे बच्चे इस समय जो उनको एजुकेशन दे 4000 बच्चे हैं, इस 4000 से अपन 25000 करने का लक्ष्य पूरा कैसे कर सकें। हमारी बातें वहाँ किसी धार्मिक कट्टरतावाद की नहीं होती, हमारी बातें वहाँ किसी राम मंदिर को लेकर नहीं होती, हमारी बातें हिंदू धर्म को लेकर नहीं होती, हमारी बातें केवल सेवा धर्म को लेकर होती हैं। संचल पूछ पड़ा बन
समाज का करियर आईएएस बनना है, रोजगार प्राप्त करना है, डॉक्टर बनना है, मेरा करियर तो केवल सेवा है और ये घुमंतु जीवन है। इन घुमंतु समाज के बीच में जो सेवा कर रहे, यही मेरा जीवन है और ये मेरी अंतिम सांस तक ये रहने वाला है।